हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम डॉक्टर अशरफ साहब जी। बिस्मिल्लाह, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं डॉक्टर साहब कराची से बोल रहा हूँ, अहमद दाऊद नाम है मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अहमद दाऊद साहब क्या हाल, आज कराची से बड़ी फोन कॉल्स मुझे आ रही है, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब वो आपसे मेरी पहले भी बात हुई है, आप माशाल्लाह से मैंने आपको नेट पे नहीं आपकी देखी है वीडियो, तो उससे तो आप माशाल्लाह बारिश हो गए दिन की तरफ अल्लाह ताला ने आपका दिल मोड़ लिया, और मैं कहता हूँ कि जिसकी अल्लाह ताला बेहतरी करता है उसको दिन की तरफ अल्लाह ताला लेके जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए क्या हाल है, ठीक है? हम माशाल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। इस तरह का जो करता है वो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ वाकई मुतवज्जा करता है। बस अल्लाह ताला मेरा एक दो मसले थे, मेरे पास जमीन है कराची में जी, जी। उसके हल्का सा कलर है जी। और पानी भी थोड़ा कम है। अच्छा। और मैं उसके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ गिट्रोफा आपकी जो है मशूरे से। जी जी बिस्मिल्लाह। हाँ तो ये तो बहुत ही अच्छा है, कलराठी थोड़ी जमीन हो, वो जो भी नाकारा जमीन है उन पे बेहतरीन ये हो जाता है आप तो। अच्छा। हाँ ये बहुत जबरदस्त चीज है। जस्ट डॉक्टर साहब ये कलर जमीन है, आप भी मैंने ये वीडियो देखी है, उसमें आपने कहा ये कलर में नहीं होता, ये हल्का सा कलर है। हाँ। उसका मैं क्या करूँ, बहुत ज्यादा देखिये बहुत ज्यादा कलर नहीं, लेकिन ये कि हल्की पुल्की कलराठी जमीनों पे हो जाता है वैसे तो। अच्छा, हाँ वो है। अच्छा डॉक्टर, मैं वो मैगजीन में पढ़ा था कि इस पे जो है जिप्सम लगाना पड़ेगा, या इसकी जमीन की मैं वो करवाऊँ, इसकी टेस्टिंग कराऊँ और उसके बाद जिप्सम वगैरह डाल के इसको तैयार करूँ, या क्या करूँ, जैसे आप मशवरा दें। देखे आप जमीन का वैसे बेहतर तो ये है कि उसका एनालिसिस करवाएं। अच्छा जी, ठीक है, उनका इसका एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। कोई भी जमीन जो है ना, खास तौर पे आजकल क्या पढ़े लिखे लोग जितने भी हैं वो जमीनों की इसलाह के लिए या बेहतरीन जो होती है ना ज़रात, जो आजकल मॉडर्न एग्रीकल्चर है, वो तो तकाजा करती है कि आप ज़मीन का तजिया करवाएं, देखें उसमें क्या है और उसमें कौन कौन से अज्जा हैं और किन की कमी है, और उसी हिसाब से फिर तरतीब दिया जाता है कि क्या क्या यहाँ काश्त किया जा सकता है और किससे मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन जो आपके यहाँ कलर है, मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो क्या सफ़ेद कलर है या कोई स्याह कलर है? देखिए वो काफी अच्छे से कोई 20-25 साल से वो जमीन को इस्तेमाल नहीं किया हमने, तो सिंध की जमीन अगर इस्तेमाल ना करें तो हल्का सा कलर आ जाता है। उसको जब हम उसके ऊपर ट्रैक्टर बनवाते हैं उसके ऊपर, तो वो जमीन के नीचे से ठीक आती है, लेकिन फिर भी उसको मैंने कोशिश की थी, पानी भी जो सा मेरा ऊंचा है, मुझे पानी भी के जो मसला है, पानी भी मुझे कम मिल रहा है उससे ना, जमीन ऐसी है कि पानी की उल्टी दिशा में है, तो वो पानी जो है उसको लगता नहीं पूरी तरह, तो उसकी लेजर लैंडिंग और बड़ा कुछ होना चाहिए। हाँ। लेकिन मैं उसके ऊपर जो है क्योंकि कराची में मेरे और भी काम है तो उसको मैं भी तवज्जो नहीं दे सका, तो आपका मैंने गिट्रोफा प्रोजेक्ट देखा। हाँ। और कुछ ये सादका पास के हैदर साहब हैं मुल्तान के, उन्होंने भी मैंने उनकी भी वीडियोज देखी, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने सारी डिटेल से एक एकड़ का आपने भी बताया, रेफरेंस आपने भी सुने कि वो खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ा अच्छा ये चल रहा है, ये सारा कुछ चल रहा है। हाँ, तो मैंने जो उन्हें मेरे पास कुछ पड़ी हुई थी, मैंने कहा मैं उसको देखभाल तो मैं सब्जियों की तरह उसको नहीं कर सकता कि जाके उसको सारी चीजें उसकी ख्याल करूँ, हर चीज करूँ, तो जिट्रोफा लगा दूंगा उसकी कम है और उनसे भी ठीक है। नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा देखें आप, माशाल्लाह मुझे अच्छे खासे पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, और आप अगर तो सफेद, आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि वो एक होती है शोर ज़दा जमीन, उसको हम कहते हैं जिसमें सफेद कलर होता है,
काला है। अच्छा उसको कहते हैं थोर, वो बाड़ा जमीन होती है, बाड़ा होती है, बाड़ा कहते हैं काला कलर उसमें जमीन में होता है। और इस ऐसी जमीनों में ना सोडियम की मिकदार जो होती है वो मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा हो जाती है सोडियम की। और इनकी नमकियात की जो मुकर्रा हद है ना वो कम होती है। और इसकी पीएच समझते हैं ना जो साइल की, वो पीएच जो है ये 8.5 से कम होती है इसमें। और जमीन जरा सख्त होती है, आपने देखा जमीन सख्त होगी है ना, क्योंकि इसके जो जमीनी मसाम होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं और उससे हवा और पानी का गुजर जो होता है वह बहुत कम और कम होता है, जिसकी वजह से ना वो उसका रंग स्याह हो जाता है। ठीक है ना, तो इसके लिए तो सल्फ्यूरिक एसिड, वैसे तो जिप्सम का भी आपको किसी ने कहा होगा, मैंने वो एक ज़रात नामा आता ना उसका मैगजीन लगवाया हुआ था। अच्छा, उसमें मुझे काफी हेल्प मिली, उससे भी मैंने काफी कुछ सीखा। और मैंने अभी तक बदकिस्मती से उसके ऊपर काम नहीं किया, मुझे जिसका बड़ा अफसोस होता है कभी कभी ना। तो कोई नहीं, इसमें असल में गंधक का तेजाब वो भी डालना पड़ता है और जिप्सम भी डालनी पड़ती है, और ये गोबर की खाद अगर मिल जाए और गली सड़ी अच्छी हो तो वो भी मिला के वो करते हैं, तो ये जमीन अच्छी वो प्रोडक्टिव हो जाएगी ज्यादा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा आपने सोचा है, अभी जिट्रोफा अल्लाह का नाम लेके लगा दे, अल्लाह फजल करेगा और तजिया वैसे जमीन का करा ले। और जब जमीन का तजिया करा ले ना फिर मुझसे बात करें, मैं आपको फिर बताऊंगा कि इसमें किस चीज की ज्यादती है, फिर उसी हिसाब से आपको मैं बताऊंगा कि उसमें क्या जिप्सम डालना है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और क्या कुछ हो सकता है जिससे उस जमीन की इसलाह हो सकती है। वैसे कहेंगे तो मैं आपके लिए एक ना कलराठी जो कलर ज्यादा जमीने हैं उनकी रिक्लेमेशन के लिए जो भी हो सकता है मैं वो इंशाल्लाह एक अलग प्रोग्राम भी कर दूंगा। ठीक है, अच्छा इंशाल्लाह। और ठीक ठाक है सर, डॉक्टर मैं उसकी जमीन का जो सॉइल टेस्ट कराना है वो मैं उनको बुलाऊं या खुद जमीन से खोद खोद के अपने जमीन से मुख्तलिफ हिस्सों से खोद के जाके उनको मिट्टी ले आऊं, कैसे करूं? वो मैं आपको उसका भी एक तरीका, चले आपकी इस कॉल की